बस स्टोन रिच के एरिया के ऊपर माफिया बाला के साथ चार एलिमिनेशन पॉइंट निकाल चुके हैं यहाँ पर से टीम माफियाज। सिबू ट्रिपल फोर का एडिशन हुआ है एज ए रशर यहाँ पर टीम के अंदर। और देखो माफिया जीरो एक्स्ट्रा डैमेज 1800 और एलिमिनेशन 5 अकेले बंदे 5 एलिमिनेशन, ये क्या देख लिया मैंने। रिवाइवल के बाद भी टीम कमबैक कर लेते। असला स्पोर्ट्स गॉट एलिमिनेटेड 11th पोजीशन पे, लेकिन 10 टीम मैच के अंदर भी बचे रहेंगे। यहां पर ट्रिपल किल निकालेंगे यहां पर से जैनम फ्रॉम हेक्स स्पोर्ट्स, बहुत ही बढ़िया। ओ माय गॉड 7 किल माफिया, ये सिंगल हैंडेडली खेल रहे और सिंगल हैंडली कहना गलत होगा बिकॉज डेफिनेटली टीममेट्स ने भी डैमेज दिया है, लेकिन भाई अल्टीमेट फिनिश तो माफिया निकाल रहे हैं यहाँ पर से बैक टू बैक किल्स। माफिया 10 किल फाइनली, माफिया बाला और पहुंच जाए किल निकालते हो, लेकिन माफिया ने भी एक और किल अपने खाते में निकाल लिया। अब 8 किल हो चुका है और माफिया वहां पर से चलिए बहुत बढ़िया यहाँ पर फिनिश करेंगे उस किल को और 9 किल अपने खाते में। क्या का जलवा, नॉनस्टॉप भी अच्छा खासा कर रही है, रशन स्पोर्ट्स भी मार रही है, तो ये टीम्स लास्ट तक बची रहेंगी, देखने में और मजा आएगा। रशन स्पोर्ट्स को मार दिया सेकंड पे, नहीं ये तो टॉप पे बरकरार हुई जिस हिसाब से इनका परफॉर्मेंस है। हिंद हिंद का ओ केड़ी अकेले बचे हैं, हिंद का जिस हिसाब से मैं सोच के आया था हिंद भी उस टाइप से परफॉर्म नहीं कर पा रही है, बट माफियाज 15 के लिए ये टीम नहीं रुकने वाली, ये टीम टॉप 4 जाके ही रहेगी। चलिए 2 टीम आसपास है हमसे और माफियाज के अगेंस्ट, देखिए माफिया और ऑरा गेमिंग दोनों की बुआ की नीड है यहाँ पर से क्वालीफाई करने के लिए, बुआ की नीड दोनों के है लेकिन माफिया को थोड़ा ज्यादा है यहाँ पर कहीं ना कहीं, और स्टार्टिंग से एक बढ़िया फॉर्म में खेल रहे हैं माफिया भी। बुआ तो वो मिस करना चाहेंगे नहीं कि वो इस मैच में एक भी किल नहीं निकाल पाए, लेकिन 15 एलिमिनेशन टोटल आ चुका है टीम माफिया के पास जहाँ पर से 12 एलिमिनेशन का कॉन्ट्रीब्यूशन है। चलिए और ज्यादा आगे बढ़ते हुए यहाँ पर अकेले 12 गेम, इधर पूरी ऑरा गेमिंग के 10 किल है और कहीं ना कहीं हम बात करें गाइस यहाँ पर से 8 खिलाड़ी प्रॉपर 44 फाइट है। साइड से हमला आ रहा है वहां पर से कौशिक मलिक के नेड्स, ये लास्ट जोन फाइट है और यहाँ पर कौशिक मलिक नेड फेंकेंगे नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता, वहां पर बैक टू बैक नेड फेंक रहे हैं वहां पर, लेकिन ट्रेबल का अच्छा इस्तेमाल के बाद भी क्या यहाँ पर बुआ सिक्योर कर पाएंगे ऑरा गेमिंग की टीम, क्योंकि उनके पास भी 10 एलिमिनेशन पॉइंट है, किल पॉइंट लगभग दोनों का आसपास ही है कहीं ना कहीं यहाँ पर, उनके पास 15 इनके पास 10 एलिमिनेशन पॉइंट वाले, लेकिन मनीष टीम के रशर को टेक डाउन किया गया है यहाँ पर शॉर्ट रेंज के अंदर, टीम डिसबैलेंस हो सकती है कहीं ना कहीं, मनीष को रिवाइवल मिल चुका है वापस से यहाँ पर, लेकिन कौशिक मलिक के क्रूशियल प्लेयर नॉकआउट, मनीष वापस से नॉकआउट, अक्षय का एचपी काफी ज्यादा लो है और यहाँ पर बुआ जा सकता है माफियाज के पास, अक्षय भी नॉकआउट, पीटरी लास्ट मैन स्टैंडिंग सामने से पहुंचे जाएंगे, वहां पर से शॉट लगाया गया एक शॉट वन शॉट ऑफ स्नाइपर, लेकिन प्रिडेटर जोन के बाहर चले जाएंगे वहां पर से और इसी के साथ प्रिडेटर आई थिंक जोन के बाहर से ओ नॉकआउट, बहुत बढ़िया ये शॉट था, एकदम इमीडिएट शॉट लगाया था वहां पर से और कहीं ना कहीं वो किल फिनिश ऑफ भी हो जाएगा, लेकिन अभी तक माफिया एंट्री कर लेंगे जोन के बाहर भी आकर के तो जो मारा जा रहा है, लेकिन किल मिल सके उन लोग को यहाँ पर कहीं ना कहीं, बस एक एक किल जरूरी है टेबल पे ऊपर जाने के लिए और इसी के साथ फाइनली वंडरफुल वंडरफुल बुआ बाय टीम माफिया। Here we go.